आप तो ज्यादा दूर बैठे ये देखिए, ये जो पहला मुद्रा दिख रहा है काम कला का है, आनंद के लिए दिखाया गया। सेकंड दिखाए गए भगवान की प्राप्ति, मतलब वे ऑफ लाइफ है। जो नए लोग घर छोड़ के जाने लगे उनको बताया गया कि भाई ये आपकी जरूरत है, ये आपकी शरीर की भी जरूरत है, साथ में समाज की भी जरूरत है, क्योंकि जब दो लोग जुड़ेंगे जब ही तीसरी चीज का सृजन होगा। कहते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके दो चक्कर राइजिंग मोड में होते हैं, मूलाधार और सुधिष्ठान। मूलाधार मतलब मोशन और सुधिष्ठान मतलब हंगर। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उस पर कंट्रोल सीखता है कि कहाँ करना है, क्या करना है, कब नहीं करना। और जब 12-14 साल की उम्र होती है तो हार्मोन डेवलप होते हैं, और जब हार्मोन डेवलप होते हैं तो अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति नेचुरल आता है। और जब नेचुरल अट्रैक्शन आता है तो वी नॉट एक्टिंग लाइक एनिमल, वी आर ह्यूमन, सो वी आर कंट्रोल अवर सेल्फ। नेचुरलिटी को दिखा रहा है और एक कंट्रोलिंग को दिखा रहा है। जो बीच में देखिए मेडिटेट कर रहे हैं जो, वो ध्यान मुद्रा में है। हाँ, ये आनंद के लिए है, ये परमानंद है। परमानंद मतलब जहाँ पर फिजिकल नीड से बड़े हो गए, इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे आज मम्मी पापा हैं, छोटा कहते हैं इस चीज़ में आप खुश होते हैं। जब से देख रहा हूँ कि ये दौड़ रही है तो आप दोनों चिल्ला रही हैं कि कहाँ भाग रही है। क्यों? क्योंकि आपको मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ से परे हो गए हैं, आप परमानंद में हैं। मतलब इनको खुश देखेंगी तो अपने आप को खुश समझेगी, है कि नहीं? इसी को आपको अपने घुटने का दर्द नहीं याद आ रहा, क्या याद आ रहा है कि बच्ची घूम रही है। ये वो परमानंद होता है, मतलब वो इनलाइटमेंट हो गया है। और सबसे ऊपर अग्निदेव है जिनकी डाइन पे नॉट है, मतलब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में। जैसे एक एज होती है जब खाने के लिए जीते हैं, एक एज के बाद जीने के लिए खाते हैं, है कि नहीं? कुछ दिन बाद यही कहेंगी जो बना हो बेटा वही दे दो। अभी भी यही है, लेकिन फिर भी एक साइड अभी तो थोड़ा बहुत आ ही रहा है, लेकिन फिर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लगेगा कि अब हो गया, जो होना तब हो गया। काटा निकालते हुए चेहरे पर दर्द होता है, यहाँ मुस्कान है तो प्रेम रूपी काटा है। तो गाना सुना होगा आपने, काटा लगा, ये दिखा रहा है कि लेडी कितनी सहनशील है कि वो हर दर्द को हंसते हंसते झेल जाती है। सो इन द बिग पावर ऑफ